हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर लाइफ। तो आज मैं बनाऊंगी आलू मटर पनीर। तो उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्याज को जो है हल्का सा ब्राउन कर लीजिए, और जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन होते हैं गैस का फ्लेम आप धीरे करके कर लीजिए। और जब तक ये मतलब जो है ब्राउन होते हैं तब तक आप यहाँ पर टमाटर काट लीजिए। मैंने यहाँ पर चार टमाटर काटे हैं छोटे छोटे, तो ये भी थोड़ा सा ब्राउन होने दीजिए, बाकी हम तब तक टमाटर काटते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जो टमाटर काटे थे टमाटर टमाटर को जब तक आप थोड़ा सा फ्राई कीजिए, जब तक इसका तेल गर्म आने दीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि सबसे मेन जो है ग्रेवी होनी चाहिए। अगर ग्रेवी अच्छी है तो सब्जी का स्वाद अपने आप बनेगा। तो सबसे पहले आप फोकस जो है आपका पूरा ध्यान ग्रेवी पे ही करिए, पहले आप इसका तेल वगैरह निकाल लीजिए। टमाटर देखिए जो है ये अपना तेल छोड़ चुके हैं, आप देखिए। मैंने यहाँ पर मसाले कुछ ले लिए, काली मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, जीरा, लाल मिर्च और नमक। तो ये सब मैं जो है अब इसमें डाल दूँगी, क्योंकि जब टमाटर का तेल जब निकल जाए तब आप सारे मसाले डाल सकते हैं। अब आप थोड़ा सा मसालों को पकने दीजिए, ताकि मसाले जो हैं अपना सारा मतलब जो जितनी भी खुशबू है मसालों की सारी इसमें आ जाएगी। पहले मसालों को आप थोड़ा सा पकने दीजिए। मसाला देखिए बिल्कुल पक चुका है। अब मैं यहाँ पर टमाटर जो है यहाँ पर थोड़े से डाल दूँगी, कि टमाटर हैं। मैंने टमाटर वगैरह डाल के, मैं इसमें आलू नहीं डाल रही हूँ। अब आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको छोड़ दीजिए। पनीर हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि पनीर जो है अगर मैं इसमें डालूँगी तो ये जो है पूरी इसमें घुल जाएगी। तो अभी इसका बबल्स वगैरह आने दीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर मैंने पनीर की जो स्लाइसेस काट रखी है फिर मैं पनीर डालूंगी। अभी आप इसे ढककर रख दीजिए। इसे आप ढक कर रखिए। ग्रेवी देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मटर भी मेरे गल चुके हैं। अब मैं इसमें ये जो पनीर है ये पनीर डाल के रख दूंगी। बस आप इसको आप ढक के रख दीजिए, गैस का फ्लेम आप बंद कर दीजिए। ये सब्जी मेरी रेडी है इस तरह से। अब आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट करके बताइए कि आपको ये सब्जी कैसे लगी। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।